नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और सुबह के 10:30 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों का। आज 11 बजे से महामहिम के चुनाव के लिए मतगणना यानी कि वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान के बाद आज 21 जुलाई को गुरुवार को दिन सुबह 11 बजे संसद भवन में मतगणना शुरू हो जाएगी। NDA से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के इस चुनाव में जीत भावना जताई जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। आपको बता दें कि आज से 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। दरअसल 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन देश को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। 21 जुलाई 2007 को हुई राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में प्रतिभा देव सिंह पाटिल विजयी रही थी, जिसके बाद 25 जुलाई 2007 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद से आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे या मिलेगी। हालांकि इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को काफी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। 11 बजे से महामहिम के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी। वहीं साथ ही साथ बीजेपी का दावा है कि NDA के पास 65% से ज्यादा वोट हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जीत किसकी तय होगी। पूरी देश की जो निगाहें हैं वो आज की मतगणना पे टिकी हुई है, क्योंकि आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे। देश के प्रथम नागरिक का 15वां आज मतगणना है। आज देश के 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे। इसके पहले अगर बात महिला राष्ट्रपति की करें तो 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन देश को प्रतिभा सिंह देवी पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। वहीं अब अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती है तो महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहली होंगी द्रौपदी मुर्मू। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 11 बजे से महामहिम के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी, साथ ही साथ बीजेपी का दावा है कि NDA के पास 65% से ज्यादा वोट है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी, इसलिए आपको बता दें कि देश के संविधान की रक्षा और देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जो कुर्सी है उसमें यानी कि राष्ट्रपति चुनाव वो उसका आज मतगणना होना है। 11 बजे से मतगणना शुरू हो रहा है और देश भर के अलग अलग राज्यों से जो मतपेटियां हैं वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और आपको बताया 11 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। वही आपने देखा कि जब मतदान होता है तो लगभग 99% मतदान होता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो विपक्ष के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा और जो NDA की संयुक्त उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों में से किसको कितना वोट परसेंट मिलता है। मगर अगर बात करें तो जो सियासी अटकलें हैं, जो राजनीतिक पंडितों के हिसाब से अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जिस देश जो राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति की कुर्सी का जो जिम्मा है उसमें सबसे आगे द्रौपदी मुर्मू चल रही है। वही आपको बताए कि द्रौपदी मुर्मू के अभी रिजल्ट ना आने से पहले ही जो उनका उड़ीसा का गांव है उसको सजा दिया गया है, साथ ही साथ उनके पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं आपको बताया कि देश में ऐसा पहली बार होगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती है तो वो 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पहली आदिवासी महिला होंगी, साथ ही साथ दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं अगर देखें पिछला तो आज का जो दिन है वो आदिवासी समाज के लिए एक बेहद गर्व का दिन है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सबसे जो ग्रसित था उसको पिछली बार बनाया गया और इस बार जो पहचान के लिए देश में घूमता फिरता है उस समाज की महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चुना गया। और चुनाव में अगर देखें तो वो जो सबसे आगे चल रही है। वही त्रिशला, अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बार चुनाव से ठीक पहले डेमो वोटिंग के जरिए वोटिंग का लोगों को अभ्यास कराया। इसके साफ तौर से बीजेपी की ये लक्ष्य है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें भारी अंतरों के साथ और ये रिकॉर्ड बनाते हुए द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीते। वही अगर बात की जाए तो आज से ठीक पहले 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में APJ अब्दुल कलाम ने लगभग 84% मतदान वोट पाकर रिकॉर्ड बनाया था। उससे ठीक बाद में अगर बात की जाए तो पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में देश की तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद को लगभग 46% वोट मिले थे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर राजद की एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अगर वो चुनाव जीतती है तो उन्हें कितने वोट परसेंट मिलते हैं, और वहीं अगर बात की जाए विपक्ष के उम्मीदवार तो विपक्ष के उम्मीदवारों की भी अगर देखें तो दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मगर द्रौपदी मुर्मू को लगभग 27 पार्टियों का समर्थन रहा है और भाजपा के बाहर की जो पार्टियां यानी कि जो गठबंधन के बाहर की पार्टियां हैं, चाहे बात की जाए उनके जहां उनका घर है उड़ीसा वहां का दल बीजू दल, तो वहां की नवीन पटनायक ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होते ही उन्हें अपना समर्थन दिया था। वही अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से वाईएसआर रेड्डी की तरफ से समर्थन किया गया, तमाम ट्राइबल पार्टियों की तरफ से समर्थन किया गया है। तो अभी दल के बाद ये कहना साफ होगा कि द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट परसेंट मिलेगी। जी बिल्कुल विभांशु, आज देश के लिए बड़ा दिन है, 15वां राष्ट्रपति आज देश को मिलेगा। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। आज 11 बजे सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में तलब होना है। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में तथा कथित रूप से वित्तीय अनियमितता के मामले में सोनिया गांधी से सवाल करेगी। इस केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़े अन्य कांग्रेस नेताओं पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में राहुल गांधी से पहले ही कई पूछताछ हो चुकी है और आज सोनिया गांधी से भी इस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर देश भर में ईडी दफ्तर के घेराव, कई जगहों पर चक्का जाम और ईडी दफ्तर तक मार्च की योजना बनाई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में इकट्ठा होंगे और ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे। हालांकि इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेटिंग कर रखा है। संसद से सड़क तक कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन करेगी। सोनिया की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का आज पूरे देश भर में सत्याग्रह होगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बैरिकेटिंग कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है जगह जगह पर। साथ ही साथ अगर बात करें तो मीडिया को भी एक पॉइंट दूर रखा गया है, मीडिया को भी इससे ज्यादा करीब नहीं जाने दिया है, ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का। साथ ही साथ आपको बता दें कि मणिक टैगोर ने सदन स्थगन का भी प्रस्ताव दिया है। दोनों सदनों में उन्होंने स्थगन का प्रस्ताव दिया है। वहीं अगर बात की जाए इस मामले की तो इस मामले में राहुल गांधी से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी से पहले राउंड की जो पूछताछ है वो 13 जून को हुई थी, दूसरे राउंड की पूछताछ वो 14 जून को हुई थी और जो तीसरा राउंड था 15 जून को हुआ था। चौथे राउंड की जो पूछताछ है वो राहुल गांधी से 20 जून को हुई थी और पांचवें राउंड की पूछताछ 21 जून को हुई थी। आपको बता दें कि हेराल्ड केस 2012 में हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस किया था। 2014 में कोर्ट का सोनिया गांधी को समन भी गया था, जिसके बाद अब 2014 में ईडी ने संज्ञान में लेकर केस दर्ज किया। 2015 में सोनिया गांधी को जमानत भी मिली थी। लगातार जिस तरह से कांग्रेसी घेराव कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा दिल्ली से और विभांशु लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से अब तक सोनिया गांधी तबियत नहीं ठीक होने का हवाला देकर बसती हुई नजर आज और आ रही थी, लेकिन आज ईडी से उनका आमना सामना है, ऐसे में किस तरह का माहौल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर नजर आ रहा है? जी प्रवीण, किस तरह का माहौल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर नजर आ रहा है? पुलिस बल मौजूद है क्योंकि वहां आशंका जताई जा रही है क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी आ रही है क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ईडी जिस तरह से सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं आज जितने भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं हंगामा करने के आसार नजर आए, चक्का जाम करने के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं
ईडी को बोला था या बोला था कि अभी थोड़ा समय दीजिए क्योंकि अभी वो बीमार चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो समय अब बीत चुका है। आज 11 बजे उनसे पूछताछ होनी है और उसी क्रम में आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही जो मीडिया कर्मी है उनको भी दूर रखा गया है, क्योंकि हंगामा इस तरह से हंगामा ना हो जाए किसी तरह से, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस काफी हाई अलर्ट पर दिख रही है। जी जी विभांशु, जिस तरह से आज सोनिया गांधी की पेशी को लेकर तमाम तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रहे, इसी बीच आज सोनिया गांधी ईडी में पेश होंगी, खबरें भी सामने आ रही है कि राहुल और प्रियंका भी उनके साथ हो सकते हैं डॉक्टर के साथ साथ, क्या कुछ ताजा अपडेट है उनकी पेशी को लेकर के? नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के को लेकर आज जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्हें ईडी ने तलब किया है। पहली बार वो इस मामले में ईडी के सामने प्रस्तुत होंगी। इससे ठीक पहले जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी वो प्रस्तुत हो चुके हैं, 5 दौर की पूछताछ हो चुकी है और उनके जवाबों के जो ईडी के अफसरों की तरफ से सवाल पूछे गए उन सवालों से जवाब निकालकर उनके दिए गए जवाबों से सवाल निकालकर फिर उनके सामने सैकड़ों सवाल रखे गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो प्रवर्तन निदेशालय है उससे मैं डरता नहीं और मैं बेकसूर हूँ, अगर जब तक बुलाया जाएगा मैं तब तक आऊंगा। उसी क्रम में आपको बताया कि इस मामले में जो कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी वो भी वादी है, उनको भी पेश होना था, मगर वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से सरगंगाराम अस्पताल में दाखिल थी और अब हाल ही में डिस्चार्ज हुई है, तो अब जो उन्होंने समय मांगा था उस समय पे वो पहुंची है और इसको लेकर आज कांग्रेस में देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया है। चाहे बात की जाए राजधानी लखनऊ की प्रदेश मुख्यालय में, तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर और इसका विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है वहां पे भी यही नजारे है। वहीं अगर देखें पिछला तो 2012 में जो भाजपा के फायरबर्ड नेता है उनकी तरफ से याचिका में कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो जो शेयर थे उसमें हेरा फेरी करके राहुल गांधी ने इसमें जो पैसे का हेर फेर वो किया है। इसी क्रम में आपको बताएं कि राहुल गांधी से 5 दिनों की पूछताछ हो चुकी है और आज पहली दफा कांग्रेस की जो बड़ी टैगोर है पार्लियामेंट मेंबर है वो तमिलनाडु के विरुधनगर से, उन्होंने दोनों सदनों को स्थगन का नोटिस भी दिया है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? कांग्रेस पूरे मूड में नजर आ रही है कि आज पिछली बार की तरह इस बार भी वो पूरी तरह से प्रदर्शन करेगी, अपना सत्याग्रह करेगी, क्योंकि दोनों सदनों में नोटिस दिया गया है स्थगन का। बिल्कुल दोनों सदनों में नोटिस दिया गया है कि आखिर एक पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है साथ ही साथ उनकी तरफ से छवि भूमि और तमाम आरोप लगाते हुए आज विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है। और आपको बताया कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है यानी कि छत्तीसगढ़ राजस्थान और सोनिया गांधी के समर्थन में आज वो नारे लगाएंगे। वही आपको बताएं कि आज सोनिया गांधी जब प्रवर्तन निदेशालय प्रस्तुत होगी तो उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनिया गांधी से कितने घंटे पूछताछ होती है और क्या जो उनका स्वास्थ्य खराब था साथ ही साथ बीच में उन्हें कोरोना हुआ था तो उन्हें इन सब सवालों के जवाब देने में क्या असमर्था असमर्थ रहती है या वो पूरी तरह से जवाब देती है। वही आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार वल्लू दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में जाकर वो भी प्रदर्शन की बात करें और ट्विटर पर इस बात को रखे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में कितने सवाल रखे जाते हैं, सवालों के जवाब किस तरह से देती है सोनिया गांधी। वही आपको बताएं कि बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, हाँ प्रवीण हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कल देर रात कांग्रेस की बैठक में जो सोनिया गांधी की पेशी है, पेशी को संसद में उठाने का भी सहमति बनी है, तो पूरी तरह से अब संसद में भी हंगामा काटने को तैयार है कांग्रेस, ऐसे में जो ट्रैफिक डाइवर्जन दिल्ली में किए गए हैं लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो ट्रैफिक व्यवस्था इस समय पर चरमराई हुई है क्योंकि गाजियाबाद से एनसीआर जितना भी रोड जो दिल्ली के लिए सफर करते हैं लोग जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर बता दिया है
कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। बात की जाए अगर बड़े नेताओं की, तो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य के जितने भी बड़े नेता हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं लगातार। बात की जाए लल्लू, वो भी पहुंच रहे हैं। कई ऐसे जो बड़े नेता हैं वो लगातार दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं और कई लोग पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सोनिया गांधी से ईडी जो पूछताछ करने वाली है उसको लेकर कांग्रेस खास तौर पे जगह जगह इसलिए प्रदर्शन कर रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को, पार्टी को बचाने के और सोनिया गांधी के पक्ष में कि किसी तरह से वो निर्दोष हैं और उनसे जो जांच और पूछताछ की जा रही है कहीं ना कहीं ये गलत किया जा रहा है। जी जी प्रवीण, साथ ही साथ कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का भी आरोप लगाया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? और जिस तरह से 11 बजे सोनिया गांधी पहुंचने वाली है ईडी दफ्तर, कुछ ही वक्त बचा है, मात्र 8 मिनट अभी बचा हुआ है, क्या कुछ माहौल अभी है? क्योंकि मार्च करने वाले हैं जो भी कांग्रेसी है, कांग्रेस नेता, सांसद, जो भी कांग्रेस नेता है, तो क्या कुछ माहौल है, क्या वो मार्च करने में सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए समय पर, अगर सोनिया गांधी का समय पर पहुंचना इसलिए भी तय है क्योंकि कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो लोग धीरे धीरे वहां पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर के पास में, लेकिन ईडी दफ्तर के पास में भी लगातार पुलिस मुस्तैद है और पुलिस खास तौर पे उन लोगों को खदेड़ भी रही है कि किसी तरीके का माहौल क्रिएट ना हो, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से सोनिया गांधी को कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। विभांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विभांशु, जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का भी आरोप लगाया है, साथ ही साथ अब पूरी तरह से सदन में भी हंगामा करने को तैयार है, आखिर किस बात का डर नजर आ रहा है कांग्रेसियों को? जी कृष्णा, आपको बता दें कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद इस मामले की सुनवाई हो रही है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और नेता है, पदाधिकारी, उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो पूरे जो शेयर के हस्तांतरण हुए थे, साथ ही साथ जो यंग इंडिया था और नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, इसके सीएमओ को लेकर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बंदरबाज किया गया है, आखिर इसके सीएम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास कैसे गए, इसका आरोप लगा रहा है। उससे साफ तौर से देखे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आजादी के समय और साथ ही साथ पुराने दिनों में नेताओं के पास अखबार के शेयर होते थे, नेताओं के भी अखबार होते थे, और साफ तौर से उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का छवि धूमिल करने के साथ साथ जो राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही साथ अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो अभी देखे तो जो दो बाजू में अब धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है कि उसको कम करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे चाल चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ईडी के सामने जब सोनिया गांधी प्रस्तुत होती हैं तो उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं। आपने बीते दिनों देखा कि जब 5 राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और मैं चोर नहीं जो डरूंगा, और उनकी तरफ से कहा गया था कि अफसरों पे कटाक्ष मारते हुए कहा गया था कि क्या आप सबसे ऐसे ही पूछताछ करते हैं। वही आप बीजेपी में देखा था कि राहुल गांधी से जब उन्हें वहां खाना और नाश्ते की पेशकश की गई थी उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था, और जब उनकी पूछताछ हुई थी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी प्रदर्शन किए गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सोनिया गांधी को गौतमी निशाले के मुख्यालय जाती है पूछताछ के लिए तो वहां का माहौल क्या होगा, और महज कुछ देर में वो गौतमी निशाले के कार्यालय पहुंचेंगी तो उनसे कितने घंटे पूछताछ होती है, और अगर पूछताछ होती है उन्हें कितने दिन और आने होते हैं, और पूछताछ के बाद जब राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ हो जाएगी तो दोनों के दिए गए बयानों को एक समान रखकर और उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, एक तरफ जहां आज राष्ट्रपति चुनाव की गिनती चल रही है, सरकार आज पूरी तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आज सोनिया गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है पूरे देश का इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस समय बात की जाए अगर सोनिया गांधी जिस तरह से ईडी दफ्तर पहुंचेंगी उनसे पूछताछ की जाएगी ईडी द्वारा, और बात की जाए अगर जिस तरह से जाम की स्थिति इस समय दिल्ली में काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जो आरटीओ का आईटीओ जो क्षेत्र है जो सीधे नई दिल्ली के लिए जाता है और सीधे अपना
संसद भवन के लिए जाता है, जो कि इंडिया गेट के लिए जाता है, उन मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम भी खराब है थोड़ा सा और बारिश हुआ थोड़ी होने की आशंका है। अगर बारिश हो जाती है इस बीच में तो जाम की स्थिति जो है धीरे धीरे और बढ़ती नजर आएगी। और अगर बात की जाए सोनिया गांधी लगातार कल कुछ दिन पहले भी इन्होंने जो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता यहां तक राहुल गांधी भी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास पहुंचे, जीएसटी को लेकर महंगाई को लेकर लगातार उन्होंने वहां पर आवाज भी उठाई थी। तो उस तरह से आज जो माहौल है काफी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो लोग धीरे धीरे करके दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं जो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हंगामे की जो एक आसार नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये बनते नजर आ रहे हैं और जाम की स्थिति लगातार दिल्ली में जो है काफी गंभीर देखने को मिल सकती है। अगर जिस तरह से कांग्रेस के जो जितने भी नेता या कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार से हंगामा करते हैं या कोई माहौल क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे काफी लोगों को जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस खास तौर पे काफी मुस्तैद नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी या हंगामा करता हुआ नजर आता है या किसी भी तरह से माहौल क्रिएट करता है तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर आप दोनों अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो वही लगातार एक तरफ जहां कांग्रेस इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है सरकार पर कि बदले की भावना से यह जांच की जा रही है, वही दूसरी तरफ मलिक टैगोर की तरफ से दोनों सदनों को स्थगन का नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ कल देर रात कांग्रेस की बैठक में पेशी के मामले को संसद में उठाने पर भी सहमति हुई है। सोनिया की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, दिल्ली ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखा है, ट्रैफिक डाइवर्जन है। जहां एक तरफ पूरे देश में आज राष्ट्रपति चुनाव की हलचल है तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस की सोनिया गांधी की पेशी ईडी में है। तो वहीं जहां एक तरफ सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर्व